दोस्तों आपसे मैं चैलेंज करता हूं कि आप जो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स को फॉलो करते होंगे, इन लोगों ने क्या करता है कि व्यूज वीडियो में लाने की जो मेन सेटिंग्स होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेटिंग्स के बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज थोड़ा बहुत है तो आपके वीडियो पर जरूर व्यूज आना चाहिए, लेकिन व्यूज नहीं आ रहा है और इसलिए आपने मेरी वीडियो पर क्लिक किया है। मैं चैलेंज करता हूं कि जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आज तक इस सेटिंग्स के बारे में इतना तो नहीं बताया होगा, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स के माइंड में एक ही सोच होता है कि जो मेन सेटिंग्स होता है, सेटिंग्स तो हर एक क्रिएटर जानता है, लेकिन उस सेटिंग्स के अंदर एक सेटिंग्स यानी कि एक सेटिंग्स करना होता है। इस सेटिंग्स के बारे में मैंने तो यूट्यूब पर नहीं देखा है कि किसी बड़े यूट्यूबर्स ने इस सेटिंग्स के बारे में बताया है। क्यों नहीं बताते हैं, इसका रीजन क्या है, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूं कि आखिर ये सेटिंग्स क्या है। और इस सेटिंग्स जब तक आपके चैनल पर आपने नहीं करोगी, तब तक आपकी वीडियो पर व्यूज कभी भी नहीं आएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। और क्यों ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने नहीं बताते, सबसे पहले मैं आपको रीजन कहना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों देखिए, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की जो वीडियो है, छोटे क्रिएटर्स ने बहुत ज्यादा फॉलो करता है, यानी कि बहुत ज्यादा वीडियो वॉच करता है। अगर बड़े यूट्यूबर्स ने इस सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं ना, तो जितना न्यू क्रिएटर्स है, सारे क्रिएटर्स की वीडियो में व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, तो इन लोगों की वीडियो कौन देखता है, इसलिए इस सेटिंग्स के बारे में कभी भी नहीं बात करते हैं। और आप भी पता कर सकते हैं कि मेरी बात कितना परसेंट सच होता है और कितना परसेंट फेक होता है, आप भी पता कर सकते हैं। लेकिन पता करने के लिए आपके पास एक चीज होना जरूरी है, जैसे कि आपको पता होगा vidIQ एंड TubeBuddy एप्स, ये दोनों में से एक जो क्रोम एक्सटेंशन होता है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद जो भी आप बड़े बड़े क्रिएटर्स जिसको भी आप पसंद करते हो या फॉलो करते हो, इनका चैनल आप जाके एक बार लैपटॉप पर जाके ओपन करना है, सर्च करना है, उसके बाद आप पता कर सकते हैं कि सच में क्या सेटिंग्स है, क्या मेन सेटिंग्स है वीडियो में व्यूज लाने के लिए। लेकिन तो भी आप पता कर सकते हैं जब आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर या मतलब TubeBuddy एक्सटेंशन या vidIQ एक्सटेंशन जो है एक्टिव होना चाहिए, तो भी आप जाके पता कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि आखिर ये सेटिंग्स क्या है। सेटिंग्स सबको पता है, लेकिन इस सेटिंग्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, एक चीजों से बहुत कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ आप फॉलो कीजिए। मैं 101% आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो सेटिंग्स है आपके चैनल पर अप्लाई करने के बाद आप तुरंत देख सकते हैं कि एक दिन या दो दिन बाद आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो पर व्यूज आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया है और इसके बाद मैं एक न्यू टैब ले लेता हूं। देखिए मैंने यहां पर ओपन किया है, इसके बाद आपको टाइप करना है, यहां पर टाइप करना है studio.youtube.com, सिंपली आपको टाइप करना है। जैसे कि मेरा यहां पर ऑलरेडी है तो मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इस पेज पर आपको रिडायरेक्ट करके लेके आएंगे, यहां पर कंटिन्यू टू स्टूडियो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चैनल की जो डैशबोर्ड है आपके सामने ओपन होता है। सो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये तो मेरा मतलब नया चैनल है, और आपको पता होगा कि मेरा और एक चैनल है जिस चैनल से मेरा अर्निंग हो रहा है, इसलिए मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। अगर मैं न्यू क्रिएटर होता हूँ ना, तो बिल्कुल आपको मैं इतना मतलब गर्मी से बात नहीं करता हूँ शायद। तो यहाँ दोस्तों नीचे एक ऑप्शन देखिए, नीचे कॉर्नर पर एक छोटा सा सेटिंग आपको जरूर पता होगा, इस सेटिंग से ऊपर क्लिक करना है। तो आप कहेंगे कि तू ये तो मुझे पहले से पता है, भाई बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए करेंसी जो है, यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आना है चैनल पर। चैनल ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हो कि कंट्री ऑफ रेसिडेंस, यहाँ पर आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। और नीचे जो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो मतलब कीवर्ड है, इस कीवर्ड की अंदर सारा कैल है। तो ये चीज कभी भी बड़े यूट्यूबर्स ने आपको नहीं बताते हैं, इसलिए आपको गौर से वीडियो को देखना है।
जैसे कि दोस्तों मैंने मतलब मेरा तो लैपटॉप है आपको पता होगा, तो मैंने लैपटॉप के अंदर क्या क्या मैंने मतलब जो बड़े बड़े चैनल है मैंने चेक किया है, तो एक एक चैनल की जो कीवर्ड है कीवर्ड के अंदर जो असली सेटिंग्स होता है असली सेटिंग्स आज तक मैंने यूट्यूब पर नहीं देखा है कि किसी ने मतलब छोटे क्रिएटर्स को बताया है। सो यहाँ पर क्या करना है आखिर, क्या एक्चुअली मेन सेटिंग्स क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आप यूट्यूब ट्यूटोरियल आपके चैनल पर आप अपलोड करते हो, तो यूट्यूब ट्यूटोरियल की सबसे मेन मतलब कीवर्ड क्या होता है कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए, हाउ टू इंक्रीज व्यूज ऑन यूट्यूब, हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब, ये तीन चार टैग होता है। जैसे कि हाउ टू कंप्लीट 4000 वॉच टाइम यूट्यूब, तो ये तीन चार मतलब कीवर्ड होता है, ये सबसे मेन कीवर्ड होता है यूट्यूब के लिए। और अगर आपने ये सब ये इस सेटिंग्स के अंदर नहीं करते हो तो आपकी चैनल जो है आप ग्रो कर पाएंगे, लेकिन कब ग्रो कर पाएंगे ये किसी मतलब गारंटी नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या करना है, ये जो चैनल की कीवर्ड है, मान लीजिए आपके चैनल कुकिंग रिलेटेड है, मान लीजिए आपके चैनल यूट्यूब रिलेटेड है, मान लीजिए आपके चैनल टेक रिलेटेड है, तो जिस भी कैटेगरी में आप वीडियो अपलोड करते हो उसी कैटेगरी के जो मेन कीवर्ड होता है, एक एक चैनल की मेन कीवर्ड होता है, तो इस यहाँ जो कीवर्ड है कीवर्ड पर लिखना है। जैसे कि दोस्तों मैंने चैनल का नाम लेना चाहता हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि मैंने तीन चार चैनल चेक किया है, और उसके बाद दोस्तों जब आप अगर आप भी चेक करना चाहते हो तो भाई 100% चेक कर सकते हो, लेकिन आपके पास ट्यूबॉडी या बिट आईक्यू एक्सटेंशन होना चाहिए और आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, तो भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो मैंने देखा क्या कि ये जो चैनल की जो कीवर्ड है यहाँ पर जो बड़े बड़े क्रिएटर्स है क्रिएटर्स की मतलब चैनल का नाम यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब रिलेटेड वीडियो अपलोड करता है, तो यहाँ मतलब इस कीवर्ड के अंदर क्या लिखा है पता है आपको, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए 2022, हाउ टू इंक्रीज व्यूज ऑन यूट्यूब, हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब, तो जो भी जो मेन कीवर्ड होता है उसी कीवर्ड यहाँ पर डाला है। तो इस पर क्या मतलब इस पर कीवर्ड डालने से होता क्या है, देखिए यहाँ पर जो भी आप कीवर्ड यहाँ पर यूज करेंगे उसी के रिलेटेड मतलब यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है एल्गोरिथम काम करता है, एल्गोरिथम को पता चलता है कि इस चैनल के ऊपर क्या वीडियो अपलोड करने वाले हैं पता चलता है, और उसी के हिसाब से उसी ऑडियंस को यूट्यूब एल्गोरिथम जो आपकी जो वीडियो है वीडियो इम्प्रेशंस देता है। तो ये चीज आपको करना बहुत ही जरूरी है जिस भी कैटेगरी आपके पास हो सकता है, लेकिन उसी कैटेगरी के रिलेटेड जो मेन कीवर्ड है कीवर्ड यहाँ पर आपको डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि अगर आप यूट्यूब रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हो तो यहाँ पर तीन चार कीवर्ड डालना है, और जो बड़े बड़े क्रिएटर्स की चैनल का नाम है यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि यूट्यूब रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको लिखना है सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए 2020, हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, ये जो मेन कीवर्ड है यहाँ पर डालना है, उसके बाद सेट कर देना है, और उसके बाद सिर्फ 2 दिन वेट करना है, उसके बाद वीडियो अपलोड कीजिए आपके चैनल पर, आप 100% आपके चैनल जो है ग्रो होता है। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, इस चैनल में रहते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है।